Hello, Assalamu Alaikum. I'm your mentor Sayyid Muhammad Usman Nasir from Beji Learners Institute. Respected students, today I'm going to present second chapter of Bigas Siswip Painting Inspector Grade 2 course. The title of this chapter is Surface Preparation Methods and Standards. Dear students, इस चैप्टर के टाइटल को अगर हम देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम इस चैप्टर में सीखने की क्या कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, इस चैप्टर को हम तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम ये सीखेंगे कि सरफेस क्या होता है और सरफेस के रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस के बारे में कुछ ओरिएंटेशन लेंगे, सीखेंगे। और दूसरी अहम चीज़ हम ये सीखेंगे कि सरफेस को तैयार करने के आपके सिलेबस में जो 7 तरीके दिए गए हैं उनके बारे में सीखेंगे। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ जो है वो ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी सरफेस को तैयार करेंगे। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। स्लाइड नंबर 1 जैसे कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि हम अपनी सरफेस को तैयार क्यों करते हैं। ये क्यों का जवाब लेने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि सरफेस के ऊपर पेंट फिल्म क्यों अप्लाई की जाती है। याद रखिए, सरफेस के ऊपर पेंट लगाने का एक मकसद है, वो क्या आपको पता है कि अगर सरफेस बेयर मेटल की सूरत में होगी और उसे हम हवा में या ज़मीन पर रख देते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हो जाता है, जिससे उसका क्रोयन सर्किट कंप्लीट होता है और हमारी जो सरफेस है वो क्रोड होना शुरू कर देती है। और इस क्रोयन से बचाने के लिए हमारी ये कोशिश होती है कि सरफेस के ऊपर पेंट फिल्म की सूरत में एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाए जो लेयर इलेक्ट्रोलाइट और सरफेस का आपसी कांटेक्ट जो है उसको ख़त्म कर दे। जब आपसी कांटेक्ट ख़त्म होगा, क्रोयन सर्किट नहीं बन पाएगा तो क्रोयन का अमल भी नहीं होगा। तो लिहाजा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि सरफेस के ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाए जो कांटेक्ट ख़त्म कर दे इलेक्ट्रोलाइट और सरफेस का। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी लेयर बने जो खालसन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो ज़रूरी है कि सरफेस के ऊपर जो कंटेमिनेंट्स हैं सबसे पहले वो रिमूव कर दिए जाए। क्योंकि जितनी अच्छी साफ सरफेस होगी, कंटेमिनेंट्स फ्री सरफेस होगी, उतना ही अच्छा पेंट फिल्म जो है वो सरफेस के ऊपर बनेगा और एक अच्छा प्रोटेक्शन लेवल मिलेगा आपको। इसलिए ज़रूरी है कि सरफेस के ऊपर मौजूद तमाम कंटेमिनेंट्स रिमूव किए जाएं। आए इन कंटेमिनेंट्स को ज़रा थोड़ा सा और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ कंटेमिनेंट्स से हमारी मुलाकात हुई थी। हमने कहा था कि सरफेस के ऊपर अगर मिल स्केल्स मौजूद हों तो हमारी सरफेस बतौर एनोड बिहेव शुरू कर देती है, क्रोड होना शुरू कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि मिल स्केल्स को रिमूव किया जाए। तो मिल स्केल्स की मौजूदगी में इसका मतलब हमारी सरफेस क्रोयन का शिकार होती है, तो हमारी सरफेस के लिए मिल स्केल्स से बड़ा कोई कंटेमिनेंट है ही नहीं। तो मिल स्केल भी एक बहुत बड़ा कंटेमिनेंट है जो क्रोयन के अमल में मदद करता है, जो पेंट फिल्म को प्रॉपर फॉर्म नहीं होने देगा। क्लियर? तो मिल स्केल्स, रस्ट, डस्ट, डैब्रिस, ऑयल, ग्रीस, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे हम कहेंगे कि ये कंटेमिनेंट्स हैं और इनको रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है। तो बुक में, आपकी बुक में इसी क्वेश्चन का आंसर उसने यूँ किया कि हम सरफेस को इसलिए तैयार करें कि हम डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस हासिल कर सकें। जिस कदर अच्छी सरफेस क्लीन होगी उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पेंट फिल्म की बन सकेगी। दूसरी बात,
कि सरफेस के ऊपर आप अगर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सरफेस जो है और कोटिंग फिल्म के दरमियान एक अच्छा अडहियन क्रिएट हो। और अगर आप एक अच्छा अडहियन क्रिएट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सरफेस को रफ़ किया जाए, स्मूथ सरफेस के ऊपर, मुलायम सरफेस के ऊपर, सॉफ्ट सरफेस के ऊपर। जब आप स्मूथ सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट फिल्म प्रॉपर अडहियन क्रिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी के साथ आप पेंट को सरफेस से यूं कुरेद सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि सरफेस को रफ़ करें, क्योंकि जब आप रफनेस क्रिएट कर देते हैं तो सरफेस और कोटिंग फिल्म के दरमियान में एक अच्छा अडहियन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? सो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव सरफेस को तैयार करने का, वो है डिग्री ऑफ रफनेस हासिल करने का। जितनी अच्छी रफनेस मिलेगी उतना ही अच्छा आपको अडहियन मिलेगा, और जितना अच्छी कंटेमिनेंट फ्री सरफेस होगी उतनी ही अच्छी सरफेस क्लीन होगी, तो डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस मिलेगा। ये दोनों काम करने के लिए हम सरफेस को तैयार करते हैं, सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, सरफेस की ब्लास्टिंग करते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ हम एक बात और बता दें, सरफेस मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक सरफेस दो तरह की होती है। एक सरफेस वो होती है जिसके ऊपर कंटेमिनेंट्स मौजूद हों और उसकी अभी ब्लास्टिंग ना हुई हो, तो उस सरफेस को प्राइमरी प्रोफाइल भी कहते हैं। सरफेस के लिए जो वर्ड है, प्रोफाइल भी यूज़ होता है रूटीन में, सरफेस भी कहते हैं। तो प्रोफाइल, अगर ऐसा प्रोफाइल आपके पास हो जिसकी ब्लास्टिंग अभी नहीं हुई, तो नॉन ब्लास्टेड प्रोफाइल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोफाइल। सेकंड टर्म दैट इज सेकेंडरी प्रोफाइल। सेकेंडरी प्रोफाइल जो है ये ऐसी प्रोफाइल होती है जो ब्लास्टिंग के बाद आपके पास आती है। यानी ब्लास्टेड सरफेस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोफाइल, नॉन ब्लास्टेड सरफेस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोफाइल। और सरफेस प्रोफाइल एक टर्म यूज होती है अक्सर। सरफेस प्रोफाइल की जब बात कर रहे हो तो समझ लें कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइल, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी प्रोफाइल, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी प्रोफाइल, ही इज टॉकिंग अबाउट द सरफेस प्रोफाइल। सरफेस प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर आप रफ सरफेस का, ब्लास्टेड सरफेस का, सेकेंडरी प्रोफाइल का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कुछ पीक्स, ट्रफ पीक्स, ट्रफ पीक्स, ट्रफ, इस पैटर्न की सूरत में रफनेस क्रिएट हुई होती है। इस पीक और ट्रफ की हाइट को आप सरफेस प्रोफाइल कहते हैं। इसके और बहुत सारे नाम हैं जो आपकी बुक में यूज़ किए गए, आप कंफ्यूज ना हो उनसे। आप ये सारे नाम आपके नॉलेज में होने चाहिए। सरफेस प्रोफाइल, पीक टू ट्रफ हाइट, एम्पलीट्यूड, की और एंकर पैटर्न। क्लियर? ये सारे टर्म्स हैं जो सरफेस प्रोफाइल के लिए यूज़ होती हैं। अभी मैंने एक लफ्ज़ और यूज़ किया था, मैं कह रहा हूँ कि सरफेस रफ इसलिए करते हैं या सरफेस प्रोफाइल इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि पेंट फिल्म और सरफेस के दरमियान एक अच्छा अडहियन क्रिएट हो जाए। अडहियन की डेफिनेशन ले लेते हैं, और आपकी बुक में अडहियन की दो थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं। डेफिनेशन बुक में ये है, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू सर्फेसेस विच आर इन टच, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू सर्फेसेस विच आर इन टच, ये अडहियन कहलाता है। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहता होता हूँ कि जब दो मुख्तलिफ सर्फेसेस, जैसे एक तरफ पाइप सर्फेस है, स्टेनलेस स्टील का पाइप है, और दूसरी तरफ उसके ऊपर आप कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग फिल्म एक दूसरी सर्फेस, कोटिंग फिल्म पहली सर्फेस आपका पाइप, दोनों आपस में जुड़े और इस तरह जुड़े कि मजबूती से अडहियन क्रिएट हो जाए, मजबूती से चिपक जाए आपस में, तो हम कहते हैं कि ये अडहियन है। दो थ्योरीज हैं जनाब इस अडहियन की। नंबर एक,
मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस और नंबर टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। याद रखें मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस के लफ्ज़ी मतलब ही मुदाखलत के, और इस मुदाखलत को मैं कुछ इस तरह डिफ़ाइन करूँगा, बड़ा आसान। जैसे ये आपकी सरफेस थी, जैसे आपने उसमें रफनेस क्रिएट की तो ये उसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स बन गई, यानी उसकी पीक उसकी ट्रफ, पीक ट्रफ, पीक ट्रफ, पीक ट्रफ। जब आप पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट लिक्विड होता है और वो पेंट अंदर तक चला जाता है, वहाँ तक जाता है जहाँ तक उसको ट्रफ यानी बॉटम अवेलेबल होता है, और मुकम्मल तौर पर इस ट्रफ को पेंट भर देता है, और भरने के बाद ये ख़ुद भी टूथ्ड शेप में क्योर हो जाता है। और आप देख रहे हैं जब पेंट फिल्म को देखें तो उसने बकायदा इंटरफेयर किया है सरफेस के अंदर, उसके एरिया के अंदर जाकर, और वहाँ पे जाके एक अच्छा पकड़ बना ली है। इस तरह की जो पकड़ होती है ये फिज़िकली होती है, यहाँ कोई किसी किस्म का केमिकल मेथड इन्वॉल्व नहीं है, ये फिज़िकली होती है, फिज़िकली पकड़ होती है। इसको हम मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस कहते हैं, और इसकी मिसाल आपकी बुक में वो कहते हैं इट्स लाइक एनालॉजी वेलक्रो। वेलक्रो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं, यानी पीक ट्रफ, पीक ट्रफ, पीक ट्रफ, पीक ट्रफ की सूरत में होता है, उसे वेलक्रो कहते हैं। सो इट्स एनालॉजी वेलक्रो, बिल्कुल वेलक्रो की तरह दिखते हैं। तो इस तरीके से अगर पेंट फिल्म और यानी रफनेस जब क्रिएट कर दें और ऊपर पेंट अप्लाई करें तो पेंट फिल्म और रफ सरफेस के दरमियान में जो ढहियन क्रिएट इस तरह हो जाता है कि वो सिर्फ फिज़िकली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस। सेकंड थ्योरी ढहियन के बारे में जो आपकी बुक में दी गई है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में ये केमिकली अट्रैक्ट होता है। केमिकली से मुराद यहाँ पे मैं यूँ लूँगा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, या आप अपनी फील्ड में जब जाएंगे तो ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि सरफेस को जिसको पेंट करना है, जिसको प्रोटेक्ट करना है, उसको नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस में तब्दील कर दिया जाता है, और जिस पेंट को सरफेस के ऊपर अप्लाई करना होता है उनके पेंट पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में तब्दील कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, आप जानते हैं कि मुखालिफ चार्जेस हमेशा आपस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करते हैं, और दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मुखालिफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से उनके दरमियान में क्रिएट हो जाती है, वो अढ़हियन कहलाएगी। और इस थ्योरी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो चूँकि बात अभी रफनेस की हो रही है तो याद रखें यहाँ एक बीजी स्टैंडर्ड को भी शामिल करते हैं। बी गैस स्टैंडर्ड हमें यह कहता है कि अच्छी रफनेस वो है, अच्छी अढ़हियन पेंट और सरफेस के दरमियान में वहाँ क्रिएट होती है जहाँ सरफेस प्रोफाइल की रेंज मिनिमम 30 और मैक्सिमम 75 माइक्रोन होती है। लिहाजा बीजी स्टैंडर्ड के मुताबिक 30 to 75 माइक्रोन सरफेस प्रोफाइल तैयार करनी चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो बहुत अच्छा ढहियन क्रिएट होगा और आपकी सरफेस लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद मूव करते हैं कि जनाब ये जो सरफेस प्रोफाइल हम बनाते हैं इस दौरान बाज़ दफ़ा कुछ फॉल्ट्स सामने आते हैं और उन फॉल्ट्स को हम ब्लास्टिंग फॉल्ट्स कहते हैं। आपकी बुक के अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ब्लास्टिंग फॉल्ट्स हैं जिनका जिक्र किया गया है। पहला ब्लास्टिंग फॉल्ट दैट इज़ रॉक पिक, जबकि दूसरा ब्लास्टिंग फॉल्ट दैट इज़ हैकल, और तीसरा लैमिनेशन और स्लाइवर कहलाता है। आए बारी बारी इन सब का जायज़ा लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या बनती हैं। याद रखें पहला, सबसे पहले रॉक पिक। रॉक पीक की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि नीडल लाइक अपराइट लैमिनेशन, नीडल लाइक अपराइट लैमिनेशन हुज बेस इज थिक, हुज बेस इज थिक एंड इट्स हाइट इज लेस देन 13 मिलीमीटर।
सो इट्स कॉल्ड रॉक पीक। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे समझाने की खातिर ये बात करता होता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो रॉक पीक है ना, ये रोगियों की वजह से लगती है, ये रोगियों की वजह से बनती है। वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या सर ये कैसे? तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, जब कोई ब्लास्टिंग करने वाला आदमी ब्लास्टिंग कर रहा है, जब वो टेक्नीशियन ब्लास्टिंग कर रहा है, तो अगर वो किसी लंबी सोच में चला गया या उसका ध्यान कहीं और चला गया, तो ज़्यादा देर के लिए एक जगह पर जब वो कंसंट्रेटेड ब्लास्टिंग करता है, तो उसके नतीजे में रॉक पीक्स अपीयर हो जाती हैं। ऐसी पीक्स बन जाती हैं जो ऊपर से तो निडल लाइक नोकीली होती हैं, लेकिन उनका बेस मोटा हो जाता है और साइज़ में ये 13 मिलीमीटर से छोटी होती हैं, तो इनको हम रॉक पीक कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोगियों की वजह से जो है वो रॉक पीक बनती है। तो ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए एक जनरल सा जॉक कट किया है, तो आप इसको याद रखिए कि रॉक पीक जो होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हवाले से कि अगर आप इसके ऊपर पेंट फिल्म अप्लाई कर देते हैं, तो पेंट फिल्म बाकी के हिस्से पर, तो पेंट फिल्म क्योर हो जाती है, ड्राई पेंट फिल्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन जहाँ पर रॉक पीक होती है, तो उस रॉक पीक की जो नोक है या पीक है, वो पीक उस पेंट फिल्म को फाड़ कर बाहर आ जाती है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, जब पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट उस नोक के ऊपर नहीं क्योर हो पाता, पेंट जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए वो नीचे बह जाता है, यहाँ पर आके पूरी फिल्म बना देता है, लेकिन वो पीक्स उस पेंट फिल्म से बाहर की तरफ आई होती हैं, जिससे जो मकसद था पेंट का वो फोत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कैसे? कि आपने तो प्रोटेक्टिव लेयर कायम करनी थी, आप चाहते थे कि इलेक्ट्रोलाइट और सरफेस के दरमियान में कॉन्टैक्ट क्रिएट ना हो, लेकिन रॉक पीक के ऊपर पेंट फिल्म नहीं बनी, जिसकी वजह से रॉक पीक का कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ बन चुका, जिससे क्रोइन स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जो आपकी सारी एफर्ट है वो ज़ाया चली गई, और इसके नतीजे में फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको रैश रस्टिंग या स्पॉट रस्टिंग कहा जाता है। क्लियर? तो इसलिए ज़रूरी है रॉक पीक्स को रिमूव किया जाए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसकी रेमेडी क्या है, इस रॉक पीक को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो याद रखिए, रॉक पीक्स की रेमेडी जो है वो रीब्लास्टिंग है, दोबारा उसको ब्लास्ट किया जाए और वो रॉक पीक्स ख़त्म की जाएँ, फिर सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई किया जाए। बढ़ते हैं सेकंड ब्लास्टिंग फॉल्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड ब्लास्टिंग फॉल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड हैकल। हैकल भी ऐसे ही है कि जब आप ब्लास्टिंग करते हैं, तो ऐसी अपराइट लैमिनेशन पीक एक ऐसी बनती है, नीडल की तरह बारीक होती है, और उसका साइज़ 13 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, और उसकी बेस नीचे मोटी नहीं होती, जिस तरह रॉक पीक की बेस मोटी थी, लेकिन हैकल की बेस जो है वो मोटी नहीं होती, नीचे से भी ये बारीक ही होता है। तो सिर्फ नीडल लाइक अपराइट लैमिनेशन हुज हाइट इज़ मोर देन 13 मिलीमीटर, दैट इज़ कॉल्ड हैकल। और लास्ट ब्लास्टिंग फॉल्ट जो है वो क्या है? लास्ट ब्लास्टिंग फॉल्ट है बेटा सलाइवर या लैमिनेशन। बाज़ दफ़ा आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऐसी दराड महसूस होती है, यानी उसकी जो लैमिनेशन है वो वन लिप कर्लिंग बैक दराड की सूरत में उसमें होती है, वो ऑब्ज़र्व हो, तो फौरन ना यहाँ आपकी एक ड्यूटी बनती है, इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि आपका काम है ब्लास्टिंग के अमल को रोक दें, आप अपने साइट इंजीनियर को रिपोर्ट करें कि सरफेस के ऊपर जो है वो सलाइवर्स या लैमिनेशंस जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं, आप उसकी नौइयत को चेक करें। तो वो साइट इंजीनियर अपनी टीम के साथ आकर अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए, कौन सी वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी अल्ट्रासोनिकली उसको आके चेक करता है और उसकी नौइयत को देखता है कि क्या वो सरफेस के सिर्फ अपर वाले लैमिनेशन में सिर्फ स्लाइवर है, या उस स्लाइवर की नौइयत ऐसी है कि वो थ्रो आउट द सरफेस है। अगर थ्रो आउट द सरफेस है, तो डेफिनेटली आपको सरफेस को रिमूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ अपर लेवल पे लैमिनेशन है, तो फिर उस वहाँ पे थोड़ी सी ब्लास्टिंग करके वो लैमिनेशन रिमूव की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये सीखा
कि अगर सरफेस के ऊपर कंटेमिनेंट्स मौजूद हों या सरफेस जो है वो ब्लास्टिंग फॉल्ट्स का शिकार हो जाए तो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते। यानी कि सरफेस और कोटिंग के दरमियान एक अच्छा अडहियन क्रिएट नहीं हो सकता, अडहियन फेलियर हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो बी गैस ने हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जिसमें ये बताया कि सरफेस प्रोफाइल हमेशा 30-75 माइक्रोन का होना चाहिए, तो हमें इंश्योर करना है कि सरफेस प्रोफाइल जो बने वो हमेशा 30-75 माइक्रोन हो और सरफेस जो है वो ब्लास्टिंग फॉल्ट से फ्री हो, कंटेमिनेंट से फ्री हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारा सरफेस प्रोफाइल हमारे गिवन स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करते हैं या हम असेसमेंट करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर सरफेस प्रोफाइल की मेजरमेंट के लिए दो गाजेस का जिक्र है। पहली गाज जिसको हम सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज कहेंगे, जबकि दूसरी गाज जो है वो डायल माइक्रोमीटर एंड रेप्लिका टेप है। याद रखें मेजरमेंट के साथ साथ हम सरफेस प्रोफाइल की असेसमेंट भी कर सकते हैं, यानी हम रफनेस की सिर्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। और असेसमेंट के लिए जो गाज यूज की जाती है वो कंपैरेटर कहलाता है। तो लिहाजा ये तीन चीजें ऐसी आपके सिलेबस में शामिल हैं जिनकी मदद से आप डिग्री ऑफ रफनेस यानी सरफेस प्रोफाइल या की एंकर पैटर्न या एम्पलीट्यूड या पीक टू ट्रफ हाइट को मेजर कर सकते हैं। आए जरा डिटेल से देखते हैं कि किस तरह सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज की मदद से हम सरफेस प्रोफाइल मेजर कर सकते हैं। याद रखिए सबसे पहले सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज को हम इस तरह सेट करेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होना चाहिए। उसकी सेटिंग के लिए हम सबसे पहले एक ग्लास प्लेट लेते हैं। ये देखें हमने एक ग्लास प्लेट ली। इस ग्लास प्लेट लेने का मकसद ये है कि ये ग्लास प्लेट स्मूथ होती है, रफ नहीं होती। तो ग्लास प्लेट जो कि स्मूथ होती है वो लें। यहाँ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो इसको जीरो करने के लिए, जीरो एरर निकालने के लिए, सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज का जीरो एरर निकालने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट फेरस सरफेस का टुकड़ा ले लेते हैं और उसी के ऊपर जीरो एरर निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। लिहाजा सबसे पहला आपने जो काम करना है केयरफुली वो ये है कि वो सिलेक्शन है उस मटीरियल की यानी ग्लास प्लेट की जिसके ऊपर आपने डायल सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज को सेट करना है, जीरो एरर इसमें से निकालना है। आप देखिए ये एक सामने आपके एक वीडियो क्लिप है, उसके अंदर ये किस तरह जो है वो सरफेस प्रोफाइल को सेट करता है। आप देखें पहले स्टेप के अंदर क्या किया गया कि सरफेस प्रोफाइल नीडल गाज के डायलर को घुमाकर बीजल के बिल्कुल अलाइन किया गया और इस बात को इंश्योर किया गया कि डायलर के ऊपर जो कैलिब्रेट लाइन लगी हुई है कैलिब्रेशन की जिस पे जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो और बीजल ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाए। जब ये दोनों एक दूसरे के अलाइन होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो इसका मतलब अब ये रेडी है। तो डायलर ताकि मूव ना करे, इस डायलर के ऊपर एक लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ होता है और उस लॉकिंग स्क्रू की मदद से हम इसको लॉक कर देंगे। क्लियर। इसके बाद बेटा ये जो अब गाज है ये रेडी है। इस गाज को अब आप अपने सरफेस के ऊपर अप्लाई करें और अप्लाई इस तरह करें कि इसकी कम से कम आप 10 रीडिंग्स लें। और फिर ये 10 रीडिंग्स लेने का मेन मकसद यही होता है ताकि ये जो अब आप फुट से पकड़कर सरफेस के ऊपर इसको दबाते हैं तो हो सकता है इसकी जो नीडल है वो बाज दफ़ा नीचे बिल्कुल ट्रफ पे जाए, कभी पीक तक रह जाए, कभी उसके मिडल तक जाए, तो इसलिए हमें फिर इसकी एक एवरेज वैल्यू ली जाती है। तो कम से कम 10 रीडिंग्स लें और फिर 10 की 10 रीडिंग्स को आपस में प्लस करें और प्लस करने के बाद 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास एक एवरेज सरफेस प्रोफाइल निकल आएगी। क्लियर। अब हम सीखते हैं कि किस तरह डायल माइक्रोमीटर और रेप्लिका टेप की मदद से हम सरफेस प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं।
यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, याद रखिएगा कि डायल माइक्रोमीटर्स मोस्टली जो फील्ड में यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो इंपीरियल गाजेस डायल माइक्रोमीटर, उसको इंपीरियल गाजेस भी कहा जाता है, या मेट्रिक गाजेस भी कहा जाता है, यानी इंपीरियल डायल माइक्रोमीटर या मेट्रिक डायल माइक्रोमीटर। फर्क ये है कि इंपीरियल डायल माइक्रोमीटर से जब आप सरफेस प्रोफाइल मेजर करते हैं तो उनके रिजल्ट्स दो में आते हैं, जबकि अगर आप मेट्रिक डायल माइक्रोमीटर की मदद से रिजल्ट्स लेते हैं तो उनके रिजल्ट्स हमेशा माइक्रोन में मेजर किए जाते हैं। और यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट आपको एक फार्मूला बता दें, वो करना ये है कि जब आप रीडिंग लेते हैं, अगर आप मेट्रिक डायल माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो जो आपकी रीडिंग आती है उसमें से 50 माइक्रोन माइनस करके रिजल्ट निकलेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी रीडिंग 100 माइक्रोन आती है तो उसमें से 50 माइनस करेंगे तो पीछे रिजल्ट जो है वो 50 माइक्रोन रह जाएगा, यानी सरफेस प्रोफाइल जो बनेगा वो 50 माइक्रोन का होगा। सेम इसी तरह अगर आप इंपीरियल डायल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी रीडिंग सपोज आ जाती है 4-2, तो उसमें से 2 माइनस करना होता है, 2-2 माइनस करना है, तो 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो पीछे 2 रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि इस इंपीरियल डायल माइक्रोमीटर से जो रिजल्ट आया है वो 2-2 आया। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो रेप्लिका टेप है, वो रेप्लिका टेप भी दो तरह की होती है, एक को कोर्स ग्रेड रेप्लिका टेप कहा जाता है और दूसरी को एक्स्ट्रा कोर्स ग्रेड रेप्लिका टेप कहा जाता है। कोर्स ग्रेड रेप्लिका टेप वो टेप होती है जिसकी मदद से आप 20 से 50 माइक्रोन तक सरफेस प्रोफाइल मेजर कर सकते हैं, और जबकि जो एक्स्ट्रा कोर्स ग्रेड वो रेप्लिका टेप होती है जिसकी मदद से आप 37-115 माइक्रोन तक सरफेस प्रोफाइल मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेप्लिका टेप है इसका कमर्शियल नेम टेस्टेक्स है और इसको कॉर्न प्लास्टर मेथड भी कहा जाता है। याद रखिए आपकी बुक में 3 नाम दिए गए हैं, रेप्लिका टेप, टेस्टेक्स, कॉर्न प्लास्टर मेथड। एंड एक और बात, अगर आप इस रेप्लिका टेप को गौर से देखें तो इसके ऊपर प्रेस ऑफ फिल्म भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेस ऑफ फिल्म भी इसका एक नाम है। एग्जामिनर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए प्रेस ऑफ फिल्म का लफ्ज यूज कर लेते हैं, तो प्रेस ऑफ फिल्म का लफ्ज यूज हो, रेप्लिका टेप का हो, टेस्टेक्स का हो, कॉर्न प्लास्टर मेथड का हो, तो आपने अंडरस्टैंड यही करना है कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द रेप्लिका टेप। सो ये जो रेप्लिका टेप है इसका जो टफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम माइलर कहते हैं, और इस माइलर के अंदर एक पेस्ट पाई जाती है, उस पेस्ट को टेस्टेक्स पेस्ट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं जिसमें किस तरह हम डायल माइक्रोमीटर की मदद से रेप्लिका टेप के जरिए सरफेस प्रोफाइल मेजर कर सकते हैं। ये जो सामने आपके एक डायल माइक्रोमीटर दिया गया, इसका आप देख रहे हैं कि ये जो है ये डायलर है, ये वाला इसकी बेजल्स हैं, और ये इसका पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ ये इसका लॉकिंग स्क्रू है, और इसमें दो एनवल्स हैं, एक एनवल ये है और एक एनवल ये है। एक एनवल ये जो नीचे वाला एनवल है इसका, ये फिक्स होता है, जबकि ये ऊपर वाला एनवल है ये मूवेबल होता है। क्लियर है? ये देखिए, जैसे अभी हम ये क्लिप अगर हम ऑन करें तो आप ये देखेंगे दो एनवल्स हैं, एक फिक्स है एक मूवेबल है, और ज़रूरी है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल से पहले आप दोनों एनवल्स को अच्छी तरह किसी भी सैंड पेपर टाइप पेपर से या कोर्स एमरे क्लॉथ टाइप पेपर से इसको अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद आप इसको जीरो एरर निकालें, यानी इसकी बेजल और डायलर को जीरो को एक दूसरे के आमने सामने करते हुए लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर दें।
अब ये डायल माइक्रोमीटर आपका रेडी है। दूसरी तरफ अब हम बढ़ेंगे रेप्लिका टेप की तरफ। रेप्लिका टेप जो आप इस्तेमाल करने लगे तो उसका बैकिंग पेपर इस तरह तैयार अलहदा करें कि उसके साथ ये ब्लैक कलर का रिंग जो है वो जरूर डिटैच हो जाए। जब ये डिटैच हो जाए तो इस बैकिंग पेपर को इसकी पुश्त पे लगाएं और इस रेप्लिका टेप को आप सरफेस के ऊपर चस्पा कर दें। चस्पा करने के बाद ये जो इसका माइलर वाला हिस्सा है जो कि टफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पर मुश्तमिल हमने कहा, इसको अच्छी तरह जो है वो आप रब करें किसी सख्त चीज के साथ, और ये रबिंग उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक इसका कलर जो है वो ग्रे नहीं हो जाता। और कलर ग्रे होने के बाद इसको आप जब अगर उठाकर सूरज की रोशनी में देखें तो ऐसे लगेगा जैसे छोटी छोटी पिन प्रिक्स हुई हुई हो। ये देखें अब आपके सामने उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया तो फिर आप इस रेप्लिका टेप को जो है वो सरफेस से उतार लें, और उतारने के बाद डायल माइक्रोमीटर के दोनों एनवल्स के अंदर जो है इस तरह रखें कि ये बिल्कुल दरमियान में, माइलर दरमियान में एनवल के, बिल्कुल दोनों एनवल्स के दरमियान में माइलर को रखना है और एनवल को आस्था से छोड़ना है। आस्था से जब आप छोड़ेंगे तो आप देखें ये 12 और 13 के दरमियान में यानी 125 माइक्रोन रीडिंग आई थी, और चूंकि ये जो है इसमें से फिर जैसे मैंने पहले बताया 50 माइक्रोन माइनस कर देना है और बाकी आपका रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट ये एक देख रहे हैं कि सरफेस प्रोफाइल जो मैयर किया वो 75 है जो कि बीजी स्टैंडर्ड के एन अकॉर्डिंग है, लिहाजा ये जो सरफेस प्रोफाइल बना है ये बहुत अच्छा बना है। क्लियर जी। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द बेसिक कंसेप्ट अबाउट प्राइमरी प्रोफाइल, secondary profile, surface profile, blasting faults, and how we can measure the surface profile. Inshallah, we will provide you the next lecture in which we will prescribe how we can prepare the surface. Thanks for watching. Allah Hafiz.